नमस्कार, मैं अंकित श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 14 लाख स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी व्यक्ति सर धड़ से अलग कर देगा उसको 21 लाख रुपए का मिलेगा पुरस्कार। एंकर अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास का बड़ा ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी व्यक्ति सर धड़ से अलग कर देगा उसको 21 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे महंत राजू दास। हनुमानगढ़ी अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास का बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर धड़ से अलग कर देगा उसको महंत राजू दास 21 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। ऐसी घोषणा महंत राजू दास ने तब किया जब अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया। अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास का कहना है कि जो श्री रामचरितमानस ऐसे पवित्र ग्रंथ को अपमानित करे, सनातन धर्म का अपमान करे, उसका अयोध्या का संत समाज पुरजोर विरोध और निंदा करता है और सभी से अपील करता है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाइट अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास। ये पूरा क्या प्रकरण है जो लखनऊ में रामचरितमानस के पन्नों को जलाया गया है? मेरा सवाल माननीय अखिलेश यादव जी से है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी तत्काल की घटना है, जहरीले बोल स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस प्रकार से रामायण पर, रामचरितमानस पर, साधु संतों पे इनका जो टीका और टिप्पणी था ये निंदनीय था, दुर्भाग्यपूर्ण था। कार्रवाई करने के अलावा छोड़िए, उन्होंने उसका सीधे प्रमोशन कर दिया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। ये दुखद है, निंदनीय है। अखिलेश यादव जी से मेरा सवाल है, एक तरफ तो आप बोलते हो किसी धर्म को हम अपमान नहीं करते, लेकिन जो एक सनातन संस्कृति को हिंदुत्व को गाली देता है उसको आप प्रमोशन कर रहे हो, ये क्या है आपकी रीति और नीति? दूसरी बात, अभी रामचरितमानस को जलाया गया है लखनऊ में, तो मेरी मांग है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि महाराज आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन सनातन संस्कृति का इस प्रकार से अपमान हो ये बर्दाश्त नहीं। जिन जिन लोगों ने रामचरितमानस को जलाया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जिसने प्रसाद दिया है, जिसने लोगों को उकसाया है, उसके भी खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग लगातार सनातन संस्कृति को गाली देते हैं, हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। इससे आहत होकर मैंने एक चीज़ कहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर धर से अलग करेगा उसको 21 लाख रुपए का राजू दास की तरफ से इनाम है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अगर उसकी हत्या हो जाती है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर इसी प्रकार से रामचरितमानस जलाया गया है उसकी जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य का है, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य का तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ FIR लिखना चाहिए।